एक साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा कॉमेट पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या वो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होने से बचा पाएगी? डोंट लुक अप मूवी की इसी कहानी को लेकर आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी के शुरू में केट दिव्यास के नाम की एक यंग लड़की को दिखाई जाती है जो कि एस्ट्रोनॉमी लेकर पीएचडी कर रही है। केट सुबारू टेलीस्कोप में काम करती है जो कि मिशिगन में है। एक दिन वो कैलकुलेशन करके देखती है कि एक कॉमेट कुछ ही दिनों के अंदर पृथ्वी के एकदम पास से गुजरने वाली है। उसका प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मिंडी उसे कंग्रेचुलेट करता है और इस कॉमेट को आविष्कार करने के लिए कॉमेट का नाम केट के नाम के ऊपर ही रख देता है। उसके बाद दोनों मिलके अच्छे से कैलकुलेट करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि 6 महीने में ये कॉमेट सीधा पृथ्वी पे आके हिट करने वाला है और इस कॉमेट का साइज इतना बड़ा है कि पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो नासा में कॉल करते हैं और प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन के ऑफिस से उन लोगों को डीसी में आने के लिए बोला जाता है ताकि वो लोग यूएस प्रेसिडेंट से इस बारे में बात कर सके। तो वो लोग सुबह व्हाइट हाउस जाते हैं पर सारा दिन वेट करने के बावजूद प्रेसिडेंट उन लोगों से नहीं मिलता है। हालांकि प्रेसिडेंट कुछ भी इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद केट और रैंडल को एक एक होटल भेजा जाता है जहां से रैंडल अपनी बीवी जून को कॉल करता है और बच्चे कैसे हैं ये पूछता है और केट अपने बॉयफ्रेंड फिलिप से बात करती है जो कि एक बड़े न्यूज़पेपर कंपनी का जर्नलिस्ट है। दूसरे दिन टेडी प्रेसिडेंट जेनी ऑर्लिन और स्टाफ्स का चीफ जेसन ऑर्लिन से मिलता है जो कि प्रेसिडेंट का ही बेटा है। पर वो लोग इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मिड टर्म तक वो लोगों को कोई बुरी खबर नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद टेडी उन दोनों को इस न्यूज को न्यूज चैनल में लीक कर देने के लिए बोलता है पर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को प्रेस में लीक कर देने से वो दोनों प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। पर उन लोगों को लगता है कि कॉमेट की वजह से मरने से तो यही बेहतर है। दूसरी तरफ टेक बिलियनियर पीटर एशरविल को भी एक एस्ट्रोनॉमर दोस्त से इस कॉमेट के बारे में पता चलता है और इस तरफ रैंडल और केट एक इंटरव्यू देते हैं और न्यूयॉर्क हेराल्ड वो स्टोरी पब्लिश करने के लिए राजी हो जाते हैं। खास करके जब वो सुनते हैं कि व्हाइट हाउस उन लोगों से मिलने की खबर से मुकर गए हैं। उसके बाद उन दोनों से कहा जाता है कि उन लोगों को एक मॉर्निंग टॉक शो अटेंड करना पड़ेगा जहां के होस्ट है ब्री इवेंटी और जैक ब्रिमर। पर वो दोनों होस्ट इन लोगों को सीरियसली नहीं लेते हैं तो केट गुस्सा होकर सिचुएशन कितना खराब है ये बताती है और उठ के चली जाती है। तो रैंडल अकेले वो इंटरव्यू खत्म करता है। इंटरव्यू के बाद ब्री रैंडल को ड्रिंक्स के लिए इन्वाइट करती है। फिर चैनल के लोग एनालिसिस देखते हैं कि इस शो के पहले जो एक सेलिब्रिटी अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताई थी उसको सोशल मीडिया में ज्यादा लोग देख रहे हैं। और दूसरी तरफ केट एक मीम मटेरियल बन गई थी एंग्री गर्ल के नाम से और रैंडल को सोशल मीडिया में हैंडसम साइंटिस्ट बुलाया जा रहा था। पर कोई भी उन लोगों के बातों को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे थे। इसके बाद न्यूज़पेपर रैंडल को और सपोर्ट नहीं करते हैं ये कह के कि नासा के हिसाब से उन लोगों का कैलकुलेशन सही नहीं है। पर बाद में पता चलता है कि वो नासा के साइंटिस्ट एक्चुअल साइंटिस्ट नहीं है और उसे वहां पर प्रेसिडेंट ने अपनी एजेंडा चलाने के लिए बिठा के रखी है। और इधर फिलिप किट की वायरल होने का फायदा लूटते हुए एक आर्टिकल पब्लिश करता है कि वो और किट किस तरह से इंटीमेट होते थे। तो केट फिलिप से ब्रेकअप कर लेती है। रैंडल सोशल मीडिया पे हर वक्त उन लोगों से लड़ता रहता है जो उसके साइंटिस्ट होने पर सवाल उठाते हैं। और इस तरफ प्रेसिडेंट को लेकर जब स्कैंडल सामने आता है जहां पर प्रेसिडेंट की इंटीमेट फोटो और प्राइवेट पार्ट्स की फोटो वायरल होती है तब वो FBI को भेज के रैंडल और केट और टेडी को उठा लेते हैं और उन लोगों को पहले इग्नोर करने के लिए माफी मांगते हैं। पर केट समझ जाती है कि वो लोग ये सब कर रहे हैं ताकि मिड टर्म ना हारे, फिर भी हेल्प करने में राजी हो जाते हैं क्योंकि अभी उन लोगों का मेन प्रायोरिटी है कॉमेट को स्टॉप करना।
प्रेस्टन सबके सामने आके कॉमेट की बात को सच मान लेते हैं और बताते हैं कि वो लोग एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेंगे और उस कॉमेट की ओर भेजेंगे जिस पर न्यूक्लियर हथियार होगा। रैंडल बताते हैं ये ऑपरेशन एक रिमोट टेक्नोलॉजी को यूज करके करना चाहिए, पर प्रेसिडेंट एक वॉर हीरो जनरल बेनेडिक्ट ड्रस्क को चूज करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है इस बुरी खबर से लोगों को राहत देने के लिए एक हीरो लोगों के सामने रखना चाहिए। उसके बाद रैंडल और केट बहुत सारे टीवी शोज में जाते हैं और मैगजीन का कवर्स में उन लोगों को देखा जाता है। उस पहले वाले न्यूज चैनल में वो लोग फिर से इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के बाद रैंडल और ब्री इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। लॉन्च का डेट आ जाता है और वो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के कुछ देर बाद जनरल ड्रेक का माइक्रोफोन को म्यूट कर दिया जाता है क्योंकि वो स्लैंग यूज करते रहते हैं। वो लोग सेलिब्रेशन शुरू करने वाले ही होते हैं तब बिलियनियर इशरवेल आता है और प्रेसिडेंट से प्राइवेट में कुछ बात करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट स्पेसक्राफ्ट को वापस बुला लेते हैं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। फिर रैंडल को व्हाइट हाउस में चीफ साइंस एडवाइजर बना दिया जाता है और एक मीटिंग बुलाया जाता है जहां पर केट और टेडी को बुलाया नहीं जाता है। और फिर पता चलता है कि इशरवेल प्रेसिडेंट को बोला था वो स्पेसक्राफ्ट वापस बुलाने के लिए, क्योंकि इशरवेल को पता चला है कि बहुत सारे ट्रिलियंस के रेयर मिनरल्स उस कॉमेट में मौजूद है जो कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को चाहिए। अभी उन लोगों के पास मिनरल का शॉर्टेज है क्योंकि ज्यादातर माइंस चाइना के पास है। इशरवेल का प्लान था कि बहुत सारा ड्रोन्स को भेजा जाएगा जो ड्रोन्स उस कॉमेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा और फिर उन हिस्सों को समुन्दर में गिरा के माइनिंग करेंगे। रैंडल इस आइडिया को नकार देता है क्योंकि उसे पता था कि जैसे बताया जा रहा है वैसे ये ड्रोन शायद काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इस ड्रोन को लेकर कभी प्रैक्टिकली टेस्ट हुआ ही नहीं था। पर रैंडल को इशरवेल इग्नोर कर देता है। मीटिंग के बाद रैंडल एक बार में केट और टेडी के साथ मिलता है और सब बताता है, तो केट गुस्सा हो जाती है और गवर्नमेंट के सच के बारे में सबको बता देती है तो सारे शहर में दंगा फैल जाता है। फिर केट को अरेस्ट कर लिया जाता है पर गवर्नमेंट उसे कहते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि वो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी तो उसे छोड़ दिया जाएगा। केट मान जाती है और अपनी होम टाउन एलिनॉय में चली जाती है, पर उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो किसी गद्दार को वो लोग अपने घर जगह नहीं देना चाहते हैं। केट को वहाँ की एक दुकान में कैशियर की काम मिल जाती है और वही यूल और उसके फ्रेंड्स के साथ वो मिलते हैं जो लोग केट की तारीफ कर रहे थे। उन लोगों को केट चोरी करते हुए पकड़ लेती है पर जाने देती है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही दिनों में दुनिया तबाह हो जाएगा तो अब उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ती है। यूल केट को इनवाइट करता है और केट मान जाती है और यूल के साथ एक रिलेशनशिप में चली जाती है। रैंडल अभी भी गवर्नमेंट के साथ काम करता है और एक दिन जब वो ब्री के साथ होटल रूम जाता है तब देखता है कि उसकी बीवी वहाँ पर पहले से ही आई हुई है उसे सरप्राइज देने के लिए। रैंडल कुछ कहानी बनाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता है और जून वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन रैंडल का झगड़ा हो जाता है इशरविल के साथ क्योंकि उसे पता चल गया था कि ड्रोन्स की एल्गोरिदम गलत था। उसके बाद एक न्यूज चैनल में रैंडल इंटरव्यू देता है और सबके सामने सब कुछ सच सच बता देता है। फिर FBI रैंडल को अरेस्ट कर लेते हैं और उनसे भी केट की तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। फिर ब्री के साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है और रैंडल मिशिगन वापस जा रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ केट यूल के साथ वक्त बिता रही थी तभी ऊपर आकाश में उन दोनों और बाकी सभी को कॉमेट दिखाई देते हैं क्योंकि वो पृथ्वी के बहुत पास आ चुका था। वो दोनों कॉमेट के साथ खुद को रिकॉर्ड करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं और लुकअप नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रैंडल टीवी शोज में दिखाई देते हैं और वो गवर्नमेंट के प्लान्स को कोसता है। कुछ सिंगर्स भी रैंडल के सपोर्ट में जस्ट लुकअप नाम के गाना लिख देते हैं और इसे काउंटर करते हुए प्रेसिडेंट भी डोंट लुकअप नाम से एक कैंपेन चलाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया चाइना रशिया एक साथ मिलके स्पेसक्राफ्ट भेज के कॉमेट को रोकने की कोशिश करते हैं,
पर लॉन्च फेल हो जाता है। फिर कॉमेट और पास आ जाते हैं और तब जो लोग प्रेसिडेंट के ब्लाइंड सपोर्टर्स थे वो लोग भी डर जाते हैं। और इस तरफ रैंडल केट और यूल को ग्रोसरी शॉप ले जाते हैं और ग्रोसरी खरीदने के बाद उन लोगों को रैंडल अपना होम टाउन ले जाते हैं ताकि वो लोग अपने जीवन के आखिरी दिन फैमिली की तरह फैमिली के साथ बिता सके। जब रैंडल घर जाता है तो जून रैंडल को माफ कर देती है और घर में आने देती है, ये बोल के कि जब वो लोग कॉलेज में थे तब जून भी रैंडल को चीट की थी। कुछ देर बाद टेडी भी वहाँ आया और सभी एक साथ डिनर करने लगे। फिर वो लोग प्रेयर शुरू कर देते हैं और कॉमेट गिरने की इंतजार करते हैं। उसके बाद इशरवेल जब ड्रोन्स लॉन्च करता है तो लॉन्च होने के टाइम बहुत सारे ड्रोन्स फट जाते हैं, फिर भी इशरवेल कहते हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। फिर जो कुछ बचा कुचा ड्रोन्स रहते हैं वो कॉमेट से टकराते ही फट जाते हैं। तभी सब समझ जाते हैं कि वो लोग मरने वाले हैं। इशरवेल और प्रेसिडेंट स्टेज छोड़कर एक सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट में जाके बैठते हैं जो कि डिजाइन किया गया था इसके अंदर बैठे हुए इंसानों को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से जिंदा रखने के लिए और कॉमेट धरती पे आके गिरने से पहले यहाँ से उड़ जाने के लिए। और वहाँ पर ऑलरेडी कुछ बिलियनियर पहले से ही थे। प्रेसिडेंट रैंडल को कॉल करके उसके और उसकी बीवी के लिए स्पेसक्राफ्ट में जगह ऑफर करते हैं पर रैंडल मना कर देता है। फिर वो कॉमेट आके पृथ्वी पर गिरता है और पूरा पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी जैसे दूसरे एक प्लैनेट पे जाके लैंड करता है। फिर सभी क्रायोजेनिक नींद से उठता है और आसपास देखने लगते हैं। और उसके बाद जब प्रेसिडेंट एक सुंदर एनिमल को देख के उसके पास जाने लगे तो वो एनिमल प्रेसिडेंट को अटैक करता है और मार देता है। तो इशरवेल बताता है कि शायद ये एनिमल्स ब्रोंटेरॉक है और फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल उन लोगों के सामने आ जाते हैं और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य में इंसानों को मरने तक स्क्रीनिंग रूम पे लॉक होकर क्यों रहना पड़ रहा है तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।